आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगी कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली क्या है। इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ जो कि आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा। जिन जिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस जिसको मशीन लर्निंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसको भी जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, जैसे मेरे चैनल पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं, पाइथन का कंप्लीट डला है, सी का डला है, CS का डला है, जावा का डला है, और भी कई ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं जैसे HTML है, CSS है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और पर्टिकुलर उन सबको देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के कंपनीज के इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आपका जिस आज आपका ट्यूटोरियल है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको मशीन लर्निंग के कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, जहां भी आप मशीन लर्निंग का इंटरव्यू देंगे तो वहां क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज सेमी सुपरवाइज, सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके आधार पर होता है। तो मैंने एक रिक्वायरमेंट बेसिस एक वीडियो बनाया है कम्प्लीटली, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसमें वो बना रही हूँ जिसमें जैसे मशीन लर्निंग के क्या क्या टाइप्स हैं, उन टाइप्स के क्या क्या टाइप्स हैं, उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अनसैम्पल लर्निंग क्या है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, इन सब के ऊपर मैंने आज बेगिंग, बूस्टिंग और जो भी है इन सब के ऊपर मैंने आज ट्यूटोरियल दिया है। डिसीजन ट्री है, तो कुछ ऑपरेशंस के ऊपर भी है, तो उसको आप कंप्लीटली वीडियो को एंड तक देखने के लिए इसमें बने रहिएगा, आपको इसमें काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आज के ट्यूटोरियल का, व्हाट इज सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है। सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज द ब्लेंड ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, ना तो वो सुपरवाइज होती है ना वो अनसुपरवाइज होती है, उसके बीच का जो होता है वो सेमी सुपरवाइज होता है। ओके, द एल्गोरिथम इज ट्रेंड ऑन अ मिक्स ऑफ लेवल्ड एंड अनलेवल्ड डेटा, सुपरवाइज में लेवल्ड होता है, अनसुपरवाइज में अनलेवल्ड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाता है। इट इज यूटिलाइज व्हेन वी हैव अ वेरी स्मॉल लेवल्ड डेटा सेट एंड अ लार्ज अनलेवल्ड डेटा सेट, इसमें छोटा सा एक लेवल डेटा सेट होता है और उससे बड़ा थोड़ा सा सबका अनलेवल्ड डेटा सेट होता है, वही सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाता है। इन द सिंपल टर्म्स अगर हम कहें तो क्या है, द अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम इज यूज टू क्रिएट क्लस्टर्स एंड बाई यूजिंग एग्जिस्टिंग लेवल डेटा टू लेवल द रेस्ट ऑफ अनलेवल डेटा, अनलेवल डेटा पर जो लेवल्ड डेटा रेस्ट कर रहा है क्लस्टर के थ्रू जो क्रिएट किया गया है एल्गोरिथम है उसी को आप सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कह सकते हैं। अ सेमी सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम एज्यूम्स कंटिन्यूटी एब्जॉर्प्शन क्लस्टर एब्जॉर्प्शन और मैनिफोल्ड एब्जॉर्प्शन, इन पे आप क्या क्या एज्यूम्स कर सकते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी एब्जॉर्प्शन है, क्लस्टर एब्जॉर्प्शन है और मैनिफोल्ड एब्जॉर्प्शन है। ओके, इट इज जनरली यूज टू सेव द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लेवल्ड डेटा, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिक्वेंस क्लासिफिकेशन, यानी एक क्लासिफिकेशन आप करते हैं जब भी, तो उसमें क्या होता है क्लस्टर और क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिथम्स जब सेमी लेवल्ड और अनलेवल्ड डेटा पर परफॉर्म कराई जाती है, तो वो एक सेमी सुपरवाइज डेटा जो आता है उसको सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी बोल सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन क्लस्टर्स आपकी सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब आपके सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। हाउ डू यू चूज विच एल्गोरिथम टू यूज फॉर अ डेटा सेट, डेटा सेट के लिए किस डेटा सेट के लिए आप कौन सी एल्गोरिथम चूज कर सकते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से।
अपार्ट फ्रॉम द डेटा सेट, अगर डेटा सेट को देखा जाए तो यू नीड अ बिजनेस यूज केस और एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स, यू कैन अप्लाई सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टू द सेम डेटा। अगर एज पर अ बिजनेस केस देखा जाए, अगर हम यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, यू कैन अप्लाई सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग टू द सेम डेटा। जो भी डेटा है उस पर आप सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों लर्निंग्स को डाल सकते हैं, उसी को ही आप सेमी सुपरवाइज कहते हैं। जनरली सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर्ड लेवल डेटा, तो सुपरवाइज जो वो ज्यादातर लेवल डेटा को रिक्वायर करती है, अनसुपरवाइज्ड वो अनलेवल्ड को करती है, लेकिन जो दोनों के कॉम्बिनेशन को करती है वो आपकी सुपरवाइज्ड। रिग्रेशन एल्गोरिथम रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल टारगेट। रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो रिक्वायर करती है कॉन्टिन्यूशनल न्यूमेरिकल टारगेट, मतलब जो भी आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है उसको रिग्रेशन एल्गोरिथम, सेमी सुपरवाइज्ड रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो न्यूमेरिकल डेटा पर वर्क। ठीक है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम रिक्वायर्स कैटेगरिकल डेटा टारगेट, जो कि कैटेगरिकल अल्फाबेट्स में होते हैं या फिर किसी में भी कैटेगरी में हो उस पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वर्क करती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर अनलेवल डेटा, तो सही मैंने बताया। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स एनवायरमेंट एजेंट, सॉरी सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गो रिक्वायर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल्ड एंड अनलेवल्ड डेटा सेट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स एनवायरमेंट एजेंट स्टेट रिवॉर्ड्स डेटा, ये सब आपका रेनफोर्समेंट के लिए यूज होता है, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है। आप हमको भी समझा सकते हैं इस तरीके का कोई फिगर बना करके कि मशीन लर्निंग है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड, तीसरा रेनफोर्समेंट। ठीक है, सुपरवाइज्ड के पार्ट होते हैं रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, क्लासिफिकेशन है। ओके, और अनसुपरवाइज्ड के होते हैं क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एनालिसिस, हिडन मार्कोव मॉडल, ये आपके होते हैं अनसुपरवाइज्ड के। और जो रेनफोर्समेंट है वो अपने आप में एक एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड की एल्गोरिथम्स रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और क्लासिफिकेशन है। जैसे रिग्रेशन में आ जाता है लीनियर और पॉलिनोमियल, डिसीजन ट्री में भी काफी आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन में आता है के एन एन ट्री, लॉगिस्टिक रिग्रेशन, नेव वाइज, एस बी एम, ये सब उसमें आ जाता है। क्लस्टरिंग में भी काफी सारी आती है, एस बी डी है, पी सी ए है, के मीन्स है, ये सब कॉन्टिन्यूस है। रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट क्लस्टरिंग ये कॉन्टिन्यूस है। और कैटेगरिकल मतलब ये न्यूमेरिकल्स थी ये सारी, कैटेगरिकल में कौन कौन से आते, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन एनालिसिस और हिडन मार्कोव। तो एसोसिएशन एनालिसिस में आता है एप्रोयरी एल्गोरिथम, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मशीन लर्निंग के टाइप्स भी हो गए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो आप इसको भी इस तरीके से आप कोई भी फिगर बना करके आप उसको समझा सकते हो कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट, और सुपरवाइज में ये एल्गोरिथम्स होती हैं, अनसुपरवाइज में ये होती है, और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं, कौन कौन सी एल्गोरिथम कैटेगोरिकल बेस्ड होती हैं, जो कि मैंने आपको भी समझाया। ओके, अब देखिए बात करते हैं, एक्सप्लेन द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। द के नियरेस्ट नेबर इज द सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफायर, जैसा कि इधर बताया भी था कि ये के एन एन सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफायर है। इट यूजेस प्रॉक्सिमिटी टू क्लासिफाई लेवल्स और प्रिडिक्ट द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। ये क्या कर, ये किस लिए यूज होती है?
प्रॉक्सिमिटी टू क्लासिफाई लेवल्स, लेवल्स को क्लासिफाई करने के लिए, और प्रिडिक्ट द ग्रुपिंग, जो भी ग्रुप है उस इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, और जो लेवल क्लासिफाई जो डेटा है, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं, यानी जो लेवल डेटा है, अनलेवल डेटा है, उन सबको क्लासिफाई करेगा, और क्लासिफाई करने के बाद प्रिडिक्ट करेगा, क्लासिफाई करेगा करने के लिए के नियरेस्ट नेबर का यूज किया जाता है. ओके, वी कैन यूज इट फॉर रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. के एन एन एल्गोरिथम इज नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. तो इसको हम नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के, जैसे वी कैन यूज इट फॉर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसको, के एन एन एल्गोरिथम्स को. ठीक है, के एन एन एल्गोरिथम्स इज नॉन पैरामेट्रिक है, मीनिंग इट डजंट मेक एन अंडरलाइंग एजम्पशंस ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और इजिप्शियन में इसका ज्यादा कुछ मीन्स नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी वर्क होता है इसका. इन द के एन एन क्लासीफायर वी फाइंड के नेबर नियरेस्ट टू द वाइट पॉइंट. इन द एग्जाम्पल बिलो वी चूज के इक्वल टू 5. जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको पता करना है कौन सा पॉइंट आपका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच है, मतलब क्लासिफिकेशन को अप्लाई करके या रिग्रेशन अप्लाई करके आपको के एन एन इसमें पता करना है. तो के का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें बोल रहा है वी फाइंड के नेवर, मतलब के आसपास का कौन सा पॉइंट है नियरेस्ट टू द वाइट पॉइंट, इसके आसपास कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है. तो टू फाइंड द 5 नियरेस्ट नेवर्स, मतलब 5 नियरेस्ट नेवर को फाइंड किया. वी कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द वाइट पॉइंट एंड द अदर्स. वेन वी चूज द 5 पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू द वाइट पॉइंट, मतलब के का अगर मान 5 है, तो हमको 5 नियरेस्ट नेवर्स यूज मतलब निकालने हैं. देयर आर 3 रेड एंड 2 ग्रीन पॉइंट्स के इक्वल टू 5, सिंस द रेड हैज मेजोरिटी एंड असाइन रेड लेवल टू इट. जो भी इसमें जो थ्री जो लेवल्ड हैं, ये तो आपके लेवल डेटा हैं, यानी मेजोरिटी को दिखा रहे हैं, और जो तो दो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये आपकी माइनॉरिटी को दिखा रहे हैं. ओके, ये तो हुआ आपका के एन एन. के एन एन में कुछ नहीं है, बेसिकली मेजोरिटी और माइनॉरिटी के मतलब आपके पास जो पॉइंट है, एक जो वाइट पॉइंट दिया है, उसके आसपास के आपको नेवर्स पता करने हैं. के की वैल्यू जो भी हो उसके हिसाब से आपको 5 है के की वैल्यू, तो 5 निकालने हैं, 6 है तो 6 निकालने, जो भी के की वैल्यू उसके आधार पर आपको नेवर्स निकालने होते हैं. के एन एन का मतलब यही होता है सिंपल, कि के एन एन एल्गोरिथम्स आपके उस बिंदु के आसपास के नेवर्स को फाइंड आउट करता है. वॉट इज फीचर इंपॉर्टेंस इन मशीन लर्निंग एंड हाउ डू यू डिटरमाइन इट. फीचर इंपॉर्टेंस क्या है मशीन लर्निंग में, और इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे. तो फीचर इंपॉर्टेंस रेफर्स टू टेक्निक्स दैट असाइन अ स्कोर टू इनपुट फीचर्स बेस्ड ऑन हाउ यूजफुल दे आर एट प्रिडिक्टिंग अ टारगेट वेरिएबल. फीचर इंपोर्टेंस रेफर्स टू टेक्निक्स दैट असाइन अ स्कोर. फीचर इंपोर्टेंस रेफर्स टू टेक्निक दैट असाइन अ स्कोर टू इनपुट फीचर्स बेस्ड ऑन हाउ यूजफुल दे आर एट प्रिडिक्टिंग टारगेट वेरिएबल. जो भी आपका टारगेट वेरिएबल है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है या फिर उसको यूजफुल बनाना है, तो उसको प्रिडिक्ट करके उसे यूजफुल कैसे बनाया जाए, वही फीचर इंपॉर्टेंस है. ओके, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेटा. इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेटाज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर द बिहेवियर ऑफ मॉडल एंड मेकिंग द मॉडल और इंटरप्रिटेबल.
मतलब कहने का ये है कि फीचर इम्पोर्टेंस क्या करता है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि सबसे पहले तो डेटा को लेवल अनलेवल्ड करता है, क्योंकि आपके पास कई सारे डेटा है लेकिन आपको नहीं पता कौन सा लेवल्ड है कौन सा अनलेवल्ड है, तो वो उसको पहले तो अलग अलग करता है। अंडरस्टैंडिंग द डेटा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जैसा कि उसमें बताया गया है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ मॉडल, फिर मॉडल्स बताता है इसमें क्या क्या मॉडल्स आप बना सकते हैं, तो वो फीचर्स इंपोर्टेंस में याद आता है। मेकिंग द मॉडल मोर इंटरप्रिटेबल, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मेथड्स टू डिटरमाइन फीचर इंपोर्टेंस, किस तरीके से आप फीचर इंपोर्टेंस को निकाल सकते हैं, उनके भी सेवरल, जैसे कि पहला है मॉडल बेस्ड इंपोर्टेंस, और दूसरा है परमोटेशन इंपोर्टेंस, तीसरा है शार्पली एडिटिव एक्सप्लेनेशन। तो इन तीनों को देखते हैं, फिर और भी होंगे तो उन्हें भी देखते हैं। हाँ, तीन है। तो मॉडल बेस्ड इंपोर्टेंस क्या है, सर्टेन एल्गोरिथम्स लाइक डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, प्रोवाइड बिल्ट इन मेथड्स टू इवेल्युएट फीचर इंपोर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल रेंडम फॉरेस्ट कैलकुलेट द डिक्रीज इन नोड इम्प्योरिटी वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग दैट नोड एवरेज ओवरऑल ट्रीज। सर्टेन एल्गोरिथम, दैट मॉडल बेस्ड इंपोर्टेंस का मतलब क्या है कि कुछ सर्टेन एल्गोरिथम्स को आप अप्लाई करके उसका एक मॉडल बना करके उसके जो भी मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि सर्टेन एल्गोरिथम्स जैसे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, उनको आप जब अपने डेटा पर अप्लाई करेंगे तो बिल्ट इन मेथड टू इवेल्युएट फीचर इंपोर्टेंस, तो आपके पास एक फीचर इंपोर्टेंस इवेल्युएट होके आएगा उससे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया तो कैलकुलेट द डिक्रीज इन द नोड इम्प्योरिटी, कौन कौन सी मतलब नोड की इम्प्योरिटी को डिक्रीज करके वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी रीचिंग दैट नोड एवरेज ओवरऑल ट्रीज, तो सारे ट्रीज के ऊपर ओवरऑल ट्रीज पर वो जो रीच कर रहा है एवरेज जो है उस नोड की इम्प्योरिटीज को कम करके जो वेट आ रहा है प्रोबेबिलिटी का उस नोड पर, उसको बताता है मॉडल बेस्ड इंपोर्टेंस। परमोटेशन इंपोर्टेंस कहता है आपका कि दिस इन्वॉल्व सफलिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स इन द वैलिडेशन सेट एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन मॉडल परफॉर्मेंस, द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन मॉडल परफॉर्मेंस इंडिकेट्स हाई इंपोर्टेंस। ओके, परमोटेशन इंपोर्टेंस क्या कहता है आपका कि द इन्वॉल्व दिस इन्वॉल्व सफलिंग, इसमें सफलिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स इन वैलिडेशन, मतलब जो इंडिविजुअल वैलिडेशन इंडिविजुअल वेरिएबल्स वैलिडेशन सेट में इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो होते हैं वो सफलिंग करते हैं, और ऑब्जर्विंग किस लिए सफलिंग करते हैं, क्योंकि उनको मॉडल की परफॉर्मेंस और मॉडल का इफेक्ट और परफॉर्मेंस, मॉडल की परफॉर्मेंस से जो आपका प्रभाव पड़ रहा है आपके डेटा पर उसको ऑब्जर्व करने के लिए वैलिडेशन सेट के वेरिएबल्स सफलिंग करते हैं। ओके, ये होता है आपका परमोटेशन इंपोर्टेंस, वो मॉडल बेस्ड इंपोर्टेंस था ये परमोटेशन। द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन मॉडल परफॉर्मेंस इंडिकेट्स द हाई इंपोर्टेंस, जब भी मॉडल के परफॉर्मेंस हाई करने के लिए परमोटेशन इंपोर्टेंस का यूज किया जाता है। शार्पली एडिटिव एक्सप्लेनेशंस, इसका क्या है, दिस अप्रोच यूजेस गेम थ्योरी, ये गेम थ्योरी में यूज की जाती है टू मेजर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच फीचर्स टू द प्रिडिक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स मॉडल। मतलब जब भी गेम आप खेलते हो तो आप उसमें क्या देखते हो कि कॉम्प्लेक्सली कि किसकी है हाई डेंसिटी आ रही है, किसका स्कोर ज्यादा है, तो वही प्रिडिक्शन उसको आपस में कंपेराइज करा के जब भी आपका स्कोर ज्यादा है कम है वो सब बताता है ना, तो वो सब आपका शार्पली एडिटिव एक्सप्लेनेशन आ जाता है। शार्प वैल्यूज प्रोवाइड अ डीप इंसाइट इनटू द मॉडल्स बिहेवियर एंड और पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स लाइक ग्रेडियंट बूस्टिंग से कर सकते हो आप, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन और न्यूरल नेटवर्क से, है ना। चौथा है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट,
सिंपल स्टेटिस्टिकल मेजर्स लाइक पियर्सन और स्पीयरमैन कोरिलेशंस। स्टेटिस्टिकल मेजर्स को करने के लिए आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज किया जाता है, जिसमें एक कुछ दिए हैं जैसे पियर्सन कोरिलेशन है या स्पीयरमैन कोरिलेशन कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ईच फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल। ओके, अंडरस्टैंडिंग फीचर इम्पोर्टेंस इज क्रूशियल फॉर मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूसिंग ओवरफिटिंग बाय रिमूविंग नॉन इंफॉर्मेटिव फीचर्स एंड इम्प्रूविंग मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी, स्पेशली इन डोमेन्स वेयर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल डिसीजन प्रोसेस इज क्रिटिकल। कोरिलेशन कॉफिशियंट का मतलब यही है कि ये क्या करता है, पहले तो फीचर इंपोर्टेंस को समझता है, जो भी है उसको क्रूशियल बना के, उसका मतलब यही है कि मॉडल को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करता है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है, कैसे, बाय रिमूविंग नॉन इंफॉर्मेटिव फीचर्स को हटा करके, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी, इम्प्रूव करता है मॉडल की इंटरप्रिटेबिलिटी को, स्पेशली इन डोमेन, इस डोमेन में है ना, स्पेशली इसी डोमेन में वेयर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल्स डिसीजन प्रोसेस इज क्रिटिकल। जब भी मतलब जब भी आपको लगे कि डिसीजन लेना क्रिटिकल हो रहा है, तो आप कोरिलेशन कॉफिशियंट का यूज करके कर सकते हैं। कोरिलेशन कॉफिशियंट बेसिकली आपके क्रिटिकल सिचुएशंस को इजीली बना देता है। अब टेक्निकल क्वेश्चंस देख लेते हैं मशीन लर्निंग। तो इज इट ट्रू दैट वी नीड टू स्केल और अवर फ्यूचर वैल्यूज व्हेन दे वेरी ग्रेटली? इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि दैट वी नीड टू स्केल, हमें जब स्केल की जरूरत पड़ती है और फीचर वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो व्हेन दे वेरी ग्रेटली, बड़ी हुई, अगर ज्यादा बड़ी है फीचर वैल्यू और स्केल, तो स्केल की जरूरत पड़ती है। तो यस, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स यूज इक्लूडियन डिस्टेंस। हाँ, ये सही है कि जब बढ़े हुए फीचर वैल्यूज और स्केल्स बड़ी हो सकती हैं, क्या वो बड़ी हो सकती हैं, ग्रेटली मतलब बड़ी हो सकती हैं, लार्जेस्ट हो ना, तो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स यूज इक्लूडियन डिस्टेंस। इक्लूडियन डिस्टेंस को मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स यूज करती हैं बिटवीन डेटा पॉइंट्स के बीच, एंड इफ द फीचर वैल्यूज वेरीज ग्रेटली, है ना, कई बार फीचर वैल्यूज आगे वेरीज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा फीचर वैल्यूज ही वेरी करती हैं, द रिजल्ट विल बी क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट केसेस, आउटलायर्स कोज मशीन लर्निंग मॉडल्स टू परफॉर्म रोज ऑन द टेस्ट डेटा। ओके, वी ऑल्सो यूज फीचर स्केलिंग टू रिड्यूस कॉन्वर्जेंस टाइम, इट विल टेक लॉन्गर और ग्रेडियंट डिसेंट टू रीच लोकल मिनिमा व्हेन फीचर्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड। ओके, ग्रेडियंट विदाउट एंड विद स्केलिंग, ये विदाउट स्केलिंग ये ग्रेडियंट आ रहा है और स्केलिंग से ये आ रहा है, तो मतलब फीचर्स में ग्रेटली मतलब ये जो इसमें ऊपर नीचे होके आ रहा है, तो ये ग्रेट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, लेकिन इधर क्या कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो इसमें अंतर आ रहा है, यही वो पूछ रहा है, इज तो ये ग्रेडियंट विदाउट और विद। ओके, फीचर इंजीनियरिंग, द मॉडल यू हैव ट्रेंड हैज अ लो वाइज एंड हाई वेरियंस, हाउ वुड यू डील विद इट? लो वाइज अकर व्हेन द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, इट इज मिमिकिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट,
द मॉडल हैज नो ग्रेडिटाई सॉरी लो वाइज अकर्स व्हेन द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग वैल्यूज। लो वाइज का मतलब है कि मॉडल जो प्रिडिक्टिंग वैल्यूज के क्लोज होगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टिंग वैल्यू, यानी प्रिडिक्टिंग वैल्यू जब भी एक्चुअल वैल्यू सॉरी लो वाइज अकर्स व्हेन द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग वैल्यूज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। मॉडल की जो प्रिडिक्टिंग वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होगी तो वो लो वाइज हो गया। इट इज मिमिकिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट। ओके द मॉडल हैज नो जनरलाइजेशन विच मीन्स इफ द मॉडल इज टेस्टेड ऑन अनसीन डेटा इट विल गिव पुअर रिजल्ट। जब लो वाइज होता है तो हाई वेरियंस होता है, हाई वेरियंस होता है। लो वाइज अभी होगा जब प्रिडिक्टिंग वैल्यूज और हाई वेरियंस भी इसीलिए होता है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब प्रिडिक्टिंग वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि मॉडल है तो उसमें ज्यादा जनरलाइजेशन ही नहीं है। और दूसरा मीन्स इफ मॉडल इज टेस्टेड, मॉडल अगर टेस्टेड है तो नो अनसीन डेटा, ऑन अनसीन डेटा पर अगर मॉडल टेस्टेड है तो इट विल गिव पुअर रिजल्ट्स। ओके ये लो वाइज हाई वेरियंस। टू फिक्स दीज इश्यूज वी विल यूज वैगिंग एल्गोरिथम। इस इश्यू को अगर हमको फिक्स करना है तो वैगिंग एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं। एज इट डिवाइड्स अ डेटा सेट इंटू सबसेट यूजिंग रेंडमाइज्ड सैम्पलिंग, देन वी जनरेट सेट ऑफ मॉडल्स यूजिंग दीज सैम्पल्स विद अ सिंगल एल्गोरिथम्स। आफ्टर दैट वी कंबाइन द मॉडल प्रिडिक्शन यूजिंग वॉटिंग क्लासिफिकेशन और एवरेजिंग। जब भी आप जनरेट व्हेन वी जनरेट सेट्स ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल के सेट्स को अगर हम जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द सैंपल्स, सैंपल्स को यूज करके तो वे सिंगल एल्गोरिथम, एक सिंगल एल्गोरिथम से सैंपल को यूज करके हम जब भी उसके सेट्स को जनरेट करते हैं तो आफ्टर दैट क्या होता है, वी कंबाइन द मॉडल प्रिडिक्शन। जब भी कंबाइन करते हैं उन मॉडल्स प्रिडिक्शन को तो यूजिंग वोटिंग क्लासिफिकेशन का यूज करके और एवरेजिंग को यूज करके हम उनको कंबाइन करते हैं फॉर हाई वेरियंस। अगर हम हाई वेरियंस की बात करें, ये तो हो गया लो वाइज का, लेकिन हाई वेरियंस की बात करें तो वी कैन यूज रेगुलराइजेशन टेक्निक, जिसमें हम रेगुलराइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, कर सकते हैं। इट पेनलाइज्ड हायर मॉडल कॉफिशियंट टू लोअर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। जो हायर मॉडल कॉफिशियंट टू लोअर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी पे जाता है। ओके फर्दर मोर वी कैन सिलेक्ट द टॉप फीचर्स, हम टॉप फीचर को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फीचर इंपोर्टेंस ग्राफ एंड ट्रेंड। ओके विच क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक वुड यू सजेस्ट फॉर अ टाइम सीरीज डेटा सेट एंड वाई। इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी। ओके अगर वीडियो समझ आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मशीन लर्निंग का आगे एक करके रोज पर डे आपके लिए ट्यूटोरियल आता रहेगा। विच क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स वुड यू सजेस्ट फॉर अ टाइम सीरीज डेटा सेट व्हेन वाई। कौन सी क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है जो कि आप सजेस्ट करेंगे टाइम सीरीज डेटा सेट के लिए और क्यों? तो क्रॉस वैलिडेशन इज यूज टू इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस। क्रॉस वैलिडेशन किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि मॉडल परफॉर्मेंस को रोबस्टली और प्रिवेंट ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए और मॉडल परफॉर्मेंस को रोबस्टली इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जनरली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक रेंडमली पिक सैंपल्स फ्रॉम द डेटा एंड डिस्प्ले देम इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। ठीक है, जनरली क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक रेंडमली पिक सैंपल्स फ्रॉम द डेटा एंड डिस्प्ले देम इनटू द ट्रेन एंड टेस्ट। कहने का मतलब ये है क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो है वो रेंडमली सैंपल्स को पिक करती है फ्रॉम द डेटा एंड स्प्लिट इनटू द ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में, स्प्लिट कर देती है ट्रेन और टेस्ट डेटा में। ठीक है, डेटा सेट्स में द नंबर ऑफ स्प्लिट्स इज बेस्ड ऑन द के वैल्यू, के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि
कितने स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि के वैल्यू अगर 5 है, इफ द के इक्वल्स टू 5 देयर विल बी 4 फोल्ड्स, ठीक है, फॉर द ट्रेन एंड वन फॉर द टेस्ट। 5 के वैल्यूज है तो एक आपके टेस्ट के लिए होगा, 4 आपके ट्रेन के लिए होगा। तो इट विल रिपीट 5 टाइम्स टू मेजर द मॉडल परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट फॉल्स। इट विल रिपीट 5 टाइम्स टू मेजर द मॉडल परफॉर्म द सेपरेट फोल्ड। एक एक सेपरेट फोल्ड के लिए 5 टाइम्स रिपीट होगा। वी कैन नॉट डू इट विद अ टाइम सीरीज डेटा सेट। वी कैन नॉट डू इट विद अ टाइम सीरीज डेटा सेट के साथ हम इसको नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस टू यूज द वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर टू फॉरकास्ट द वैल्यू ऑफ द पास्ट। ओके, फ्यूचर और पास्ट की वैल्यू को फोरकास्ट नहीं कर सकते, है ना। तो देयर इज द टेम्पोरल डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड वी कैन ओनली स्प्लिट द डेटा इन वन डायरेक्शन सो दैट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट डेटा सेट आर आफ्टर द ट्रेनिंग डेटा सेट। द डायग्राम शोज द टाइम सीरीज डेटा के फोल्ड स्प्लिट इन द अनडायरेक्शनल। अगर अनडायरेक्शनल है तो किस तरह स्प्लिट होगा, द ब्लू पॉइंट्स आर द ट्रेनिंग डेटा सेट्स। ये जो है, ये जो डायग्राम जो है वो क्या शो कर रहा है, टाइम सीरीज डेटा सेट जो है उसका के फोल्ड स्प्लिट बता रहा है। तो जिसमें आपका जो ब्लू पॉइंट्स है वो ट्रेनिंग डेटा सेट दिखा रहे हैं एंड द रेड पॉइंट्स इज द टेस्ट सेट। जो रेड पॉइंट्स है वो टेस्ट सेट बता रहे हैं एंड द व्हाइट इज अ अनयूज डेटा। ये अनयूज डेटा है व्हाइट का। एज वी कैन ऑब्जर्व विद एवरी इटरेशन वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेनिंग सेट व्हाइल द टेस्ट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेनिंग सेट नॉट रेंडमली सिलेक्टेड। देखो, एक एक करके फॉरवर्डली आगे बढ़ रहे हैं और जहां ट्रेन सेट खत्म हो रहा है उसके आगे वाला आपका टेस्ट सेट है। सॉरी, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेनिंग सेट। हाँ, ट्रेनिंग सेट के साथ आप फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, लेकिन जो आपका रेड पॉइंट है वो आपका टेस्ट सेट है। जब भी ट्रेनिंग सेट हो गया, अब यहाँ से ये वाले वो पहुंचे तो इसका ये यहाँ तक ट्रेनिंग सेट हो गया, ये टेस्ट सेट हो रहा है, ये टेस्ट वन, ये चल रहा है इस तरीके से यहाँ तक गए, जब तक आपका टेस्ट सेट लास्ट वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच गया। आपके पास इतना, ये पूरा एक डेटा सेट था, इसमें इतने ट्रेंड थे और ये टेस्ट हो रहा था, तो इसमें ये पहले टेस्ट हो गया तो ये यहाँ आ गया, ऐसे करके चला है। तो इसको आप डायग्राम बेसिस भी आप इसको समझा सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था क्रॉस वैलिडेशन का, तो क्रॉस वैलिडेशन यही है कि ट्रेन पहले एक को टेस्ट करेगा वो आपका ट्रेन में चेंज हो जाएगा, फिर आगे वाले को टेस्ट करेगा वो फिर से ट्रेन में चेंज हो जाएगा, फिर आगे वाले को टेस्ट करेगा वो भी ट्रेन में चेंज। ओके, कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाई कैन इनपुट्स द कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स गेट हक। एक्सप्लेन इट एज एग्जांपल। इमेजिन अ इमेज 250x इनटू 50, मतलब 250 करोड़, 250 एंड अ फुल्ली कनेक्टेड हिडन फर्स्ट लेयर विद 1000 हिडन यूनिट्स फॉर दिस इमेज। इस क्वेश्चन को देखिए आप। व्हेन यू हैव अ स्मॉल डेटा सेट सजेस्ट अ वे हाँ व्हेन यू हैव अ स्मॉल डेटा सेट सजेस्ट अ वे टू ट्रेन अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ओके, जब आप स्मॉल डेटा सेट है आपके पास एक, तो आप उसमें सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके से ट्रेन करेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। तो इफ यू डू नॉट हैव इनफ डेटा,
ट्रेन अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जबकि आपके पास इनफ डेटा नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो यू कैन यूज ट्रांसफर लर्निंग टू ट्रेन योर मॉडल. सबसे पहले आप मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड गेट द आर्ट रिजल्ट. ठीक है, वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको यू नीड अ प्री ट्रेन मॉडल, उसको आप प्री ट्रेन मॉडल के थ्रू यूज कर सकते हैं, विच वॉज ट्रेन ऑन अ जनरल बट लार्जर डेटा सेट. आफ्टर दैट यू विल फाइन ट्यून इट ऑन न्यूअर डेटा बाई ट्रेनिंग द लास्ट लेयर ऑफ द मॉडल. ओके, ट्रांसफर लर्निंग अलाउज डेटा साइंटिस्ट टू ट्रेन मॉडल्स और स्मॉलर डेटा बाई यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेस, कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज. सो यू कैन फाइंड ओपन सोर्स प्री ट्रेन मॉडल्स फॉर वेरियस यूज इजिली एंड मोस्ट हैव कॉमर्शियल लाइसेंस, विच मीन्स यूज कैन यूज देम टू द क्रिएट योर एप्लीकेशन ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच. ट्रक एक्स वाई स्केल कार. ठीक है, ऐसे ये आपके पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है, मतलब रोडवेज है, तो रोड पे कई सारी चीजें चल रही होती है, कार भी चल रही है, ट्रक भी चल रहा है, बाइसिकल भी चल रही हो, और ना जाने क्या क्या चल रहा है. तो ये आपका ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच हो गया. अब ट्रांसफर लर्निंग, लर्निंग में ट्रांसफर किया तो आपके पास क्या आया? प्री ट्रेंड आया और न्यू ट्रक आया, न्यू टास्क आया. तो न्यू टास्क में आपको क्या पता चला? एक तो कार है और ट्रक है जो कि रोड पर अभी चल रहा है. ठीक है, जिसके ऊपर आपको वर्क करना है. तो ये हो गया आपका जो भी क्वेश्चन था. हाँ, आपका ये क्वेश्चन था ना, जो स्मॉल डेटा सेट को सजेस्ट कीजिए. तो इस तरीके से आप सजेस्ट कर सकते हैं. पहले आप उसको क्लियर करेंगे, उस पर आप अनसाइंड और साइंड डेटा निकाल लेंगे उसका, और फिर ट्रेंड और ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट को अलग अलग करेंगे. उसके बाद में आप उस पर वर्क करके आप उसमें पता कर लेंगे कौन सा आपको टेस्ट करना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम? योलो 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 YOLO. ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम? योलो. तो योलो इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है, एंड इट कैन प्रोवाइड रियल टाइम रिजल्ट. रियल टाइम रिजल्ट को प्रोवाइड करती है योलो एल्गोरिथम. रिक्वायर अ सिंगल फॉरवर्ड पास थ्रू CNN टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट. इट प्रिडिक्ट बोथ वेरियस क्लास प्रोबेबिलिटीज और बाउंड्री बॉक्सेस, जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है. देखो, द मॉडल वॉज ट्रेन टू डिटेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड कंपनीज आर यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग टू फाइन ट्यून इट ऑन न्यू डेटा फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन सच एज ऑटोनोमस ड्राइविंग और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड सिक्योरिटी. तो ये बता भी रहा है बैकबोन, CSP, डार्क नेट, नेक, PNet, हेड, योलो लेयर्स. योलो लेयर्स हो गई, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हो गई. ये आपका मतलब इंटरनेट का कुछ चार्ट है आपका, जो कि आपको शो कर रहा है. ओके, NLP, इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स. तो व्हाट इज सिंथेटिक एनालिसिस? सिंथेटिक एनालिसिस क्या है? सिंथेटिक एनालिसिस आल्सो नोन एज सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग इज अ टेक्स्ट एनालिसिस दैट टेल्स अस दैट लॉजिकल मीनिंग बिहाइंड द सिंटैक्स, बिहाइंड द सेंटेंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सिंथेटिक एनालिसिस वो है जो सिंटैक्स एनालिसिस के नाम से जानी जाती है और पार्सिंग के नाम से भी जानी जाती है. जिसमें क्या होता है, एक टेस्ट एनालिसिस होता है जो कि कहता है कि लॉजिकल मीनिंग बिहाइंड द सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वर्ड्स पे फोकस करता है, उसका रिलेशनशिप निकालता है वर्ड का और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का सेंटेंस के. तो यू कैन आल्सो से दैट इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ एनालाइजिंग द न्यूरल लैंग्वेज. न्यूरल लैंग्वेज के एनालाइजिंग कि जो प्रोसेसिंग है उसी को हम सिंथेटिक एनालिसिस कह सकते हैं बाय यूजिंग ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करके बनाई गई है. ठीक है, तो इसमें देखो दिखाया भी गया है
सेंटेंस, सेंटेंस का नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, दो फ्रेज होते हैं। नाउन फ्रेज में हो गया डिटरमिनेंट और नाउन, डिटरमिनेंट में आ गया द और नाउन में आ गया गर्ल लेडर। इसी तरीके से वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया इस, कोई सेंटेंस लिया होगा तो उस सेंटेंस के बारे में बताया है। द गॉल ब्लैडर इज अ सर्जिकल अब्सेंट, तो ये एक आपका सेंटेंस है। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि सिंटेक्स के दो फेज है, नॉन मतलब ये पूरे पांच को मिला करके बना है। तो जिसमें एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया एडवर्ब फ्रेज, और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया आपका इज, और गॉल ब्लैडर हो गया नाउन, और डिटरमिनेंट हो गया द, डिटरमिनेंट और नाउन नाउन फ्रेज में आ गए, ऑक्सिलरी वर्ब और एडवर्ब आ गया आपका वर्ब फ्रेज में। तो यही आपका न्यूरल लैंग्वेज का ये क्वेश्चन का आंसर है, सिंटेटिक एनालिसिस का, कि इसमें आपको सेंटेंस को पता करना है किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी उनको दे सकते हैं जो फिगर मैंने आपको बताया है। बट आर द स्ट्रीमिंग एंड लेमनाइजेशन, डाइजेशन, तो स्ट्रीमिंग एंड लेमेटाइजेशन इज द नॉर्मलाइजिंग टेक्निक यूज टू मिनिमाइज द स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। ओके, स्ट्रीमिंग द लेमिने स्ट्रीमिंग एंड लेमिटाइजेशन इज अ नॉर्मलाइजिंग टेक्निक यूज टू मिनिमाइज द स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। उसको किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही आपका स्ट्रीमिंग और लेमिटाइजेशन है। तो स्ट्रीमिंग रिजॉल्व द अफिक्सेस एडेड टू द वर्ड एंड लीव्स इट इन द बेस फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग टू चेंज, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका स्ट्रीमिंग, यानी बर्ड को छोटा कर देना, स्ट्रीमिंग हो गया। इट इज वाइडली यूज बाय सर्च इंजन फॉर स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, इसको बहुत यूज किया जाता है स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, इट ओनली स्टोर द स्ट्रीम्स। लेमेटाइजेशन कन्वर्ट द बर्ड इन टू इट्स लेमना, लेमा फॉर्म में वर्ड को दिया जाता है। द आउटपुट इज द रूट वर्ड इंस्टीड ऑफ द स्टेम वर्ड। स्टेम वर्ड हो गया आपका, जैसे चेंज में ई गायब था और लेमा हो गया चेंज कंप्लीटली, ठीक है। तो आफ्टर लेमेटाइजेशन वी गेट वैलिड वर्ड मीन्स समथिंग, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग टू चेंज, इसमें ई गायब था इसमें ई, तो लेमिनेटाइजेशन हो गया वो स्ट्रीमिंग और लेमेटाइजेशन। तो स्ट्रीमिंग इनका चेंज, चेंजिंग, चेंजेस, चेंज्ड और चेंजेस जो भी कुछ लिखा है उसका हो गया चेंज, ये CHANG हो गया, और इसका लेमेटाइजेशन हो गया इन सबका चेंज। ओके, कैसा भी हो कुछ भी लगाओ उसको चेंज। तो यही हो गया आपका स्ट्रीमिंग और लेमेटाइजेशन का, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। इस फिगर के अनुरूप भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, हाउ वुड यू रिड्यूस इन सॉरी हाउ वुड यू रिड्यूस द इन्फेरेंस टाइम ऑफ अ ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर। हाउ वुड यू रिड्यूस इन्फेरेंस टाइम ऑफ अ ट्रेन ट्रांसफर मॉडल, ट्रेन ट्रांसफर मॉडल्स है, इन्फेरेंस टाइम में कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स टू ऑप्टिमाइज द मॉडल इन्फेरेंस, मॉडल इन्फेरेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे, ये मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉडल इन्फेरेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे ड्यू टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनको, इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है टू डिप्लॉय मॉडल्स इन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इन्फेरेंस टाइम टू माइक्रो सेकेंड्स। ओके, टू इम्प्रूव इन्फेरेंस टाइम वी कैन यूज
जीपीयू, टीपीयू और एफजीपीए फॉर एक्सेलरेशन। जीपीयू विद FP16 सपोर्ट, प्रूनिंग टू रिड्यूस पैरामीटर्स, नॉलेज डिस्टिलेशंस, हायरार्किकल एक्चुअली टू इम्प्रूव इन्फेरेंस टाइम। इन्फेरेंस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए आप इन सब एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। एस जी पी यू है, टी पी यू है, एफ जी पी है और ऐसे के लिए इन सबको यूज कर सकते हो। सपोर्ट के लिए आप कर सकते हो जी पी यू विद FP16 सपोर्ट भी यूज कर सकते हो। इम्प्रूव इन्फेरेंस टाइम के लिए प्रूनिंग टू रिड्यूस पैरामीटर्स भी कर सकते हो। नॉलेज डिस्टिलेशन और हायरार्किकल, मतलब इन सब पॉइंट से आप गुजरेंगे, उसके बाद में आपका वो होगा। तो सॉफ्टमैक्स और एडप्टिव सॉफ्टमैक्स और कैशे प्रेडिक्शन, पैरेलल बैच कंप्यूटिंग, रिड्यूस द मॉडल साइज। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि हम इन सबको अप्लाई करके उसको इन्फरेंस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सबसे बोलती जा रही हूँ फिनिशिंग।